सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं एक बार फिर से हम आप लोगों के साथ संवाद कायम करूंगा आपकी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप के अतिरिक्त आप लोगों के एग्जाम फॉर्म, आप लोगों के रिजल्ट्स, आप लोगों की मार्कशीट, रेगुलेशन के रिजल्ट, रेगुलेशन की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट, एमए की मार्कशीट, रेगुलेशन के फॉर्म, सप्लीमेंट्री, यानी जितनी भी आप लोगों की बातें हैं उनको लेकर के ये वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग सारे पॉइंट्स को टच करूं, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे अपने साथियों के साथ साझा कर देना। विषय परिवर्तन के ऊपर भी मैं इसमें चर्चा करूंगा, तो जितने भी मेजर इश्यूज हैं आप लोगों के, मैं उन सबको इसमें समाहित करने का प्रयास एक सिंगल वीडियो में कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा असहजता नहीं हो, असहूलियत ना हो, और बार बार मैं आप लोगों को वीडियो नहीं देखना पड़े इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद हम लोग जो है अपने पढ़ाई के जो वीडियो है उन्हीं को उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इन्फॉर्मेशन के वीडियोज की मात्रा जो है आगामी कुछ दिनों में कम की जाएगी, और जो महत्वपूर्ण वीडियो है उनको हम लोग शामिल करेंगे, खासतौर पर टीचिंग से रिलेटेड जो सिलेबस है, इम्पोर्टेंट पेपर है, ओल्ड पेपर है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। पूरे राजस्थान की कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड जो भी खबरें होती हैं वो अपन इस चैनल के माध्यम से साझा करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। बेटा आप लोगों का जो रिजल्ट सेक्शन है, सबसे पहले मैं रिजल्ट सेक्शन के ऊपर आज पहले आ जाता हूँ, क्योंकि बाद में बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सर ने जो है रिजल्ट के बारे में नहीं बताया। तो सबसे पहले तो मैं रिजल्ट सेक्शन पे ही चर्चा कर लूँ कि आप लोगों का जो बीए पार्ट फर्स्ट और सेकंड का जो रिजल्ट है ना, वो संभवतया सेकंड ईयर का रिजल्ट तो इसी हफ्ते आने की संभावना है, यानी इस जो है वीक के आखिर में शनिवार तक शायद रिजल्ट आ जाए आप लोगों का। मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कितना काम पेंडिंग है इसका कोई बहुत मेजर तौर पर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन संभवतः ये आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त तो एक चीज़ और है, उसको भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ ही जाएगा। सॉरी, सप्लीमेंट्री के फॉरम जो है वो संभवतः लेट आएंगे, शायद दिसंबर के नवंबर के आखिरी हफ्ते में वो चला जाएगा। और जो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट है ये जब शनिवार तक आने के आसार है, तो अगले हफ्ते यानी उसके बाद वाले वीक में जो है 15 नवंबर के आसपास आप लोगों के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ सकता है, यानी प्रथम वर्ष के रिजल्ट में जो है देरी संभावित है। मैं एक्चुअली ये जो आपको लग रहा होगा कि सर जो है चीजों को भूल रहे हैं, उसका रीजन ये कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई टॉपिक भूलू नहीं, जो मैंने बोला है ना मैं उन सब बातों को लेकर के डिस्कस कर लूँ, तो इसलिए शायद आपको ये लगेगा कि यार सर जो है याद कर करके बोल रहे हैं, तो वो याद मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि सारी बातों के ऊपर चर्चा कर लूँ। एमए के यदि एडमिशन की बात करें तो कल आखिरी तिथि है, आप लोग जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया वो कल तक करा दें। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसको लेकर के हम लोग कल चर्चा करेंगे, बढ़ेगी तो भी चर्चा कर लेंगे, नहीं बढ़ेगी तो भी चर्चा कर लेंगे। बेटिंग वालों को भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने, कई लोग जो है इस बात को लेकर के भ्रम में है कि बेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट्स जमा कराने या नहीं कराने, तो ये एक बहुत मेजर इशू है, इसको सॉर्ट आउट करना है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है, वो है आप लोगों की मार्कशीट का। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते तक आप लोगों की मार्कशीट भी आपके कॉलेजों में आ जाएगी, खासतौर पर बी ए फाइनल की और एम ए के जो रिजल्ट आ चुके हैं उनकी, तो ये मार्कशीट आप लोगों की आ जाएगी। इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता किसी बच्चे को नहीं है, उससे पहले नहीं आएगी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि शायद जितने दिन मैं बता रहा हूँ उतना टाइम तो लग ही जाएगा, उससे पहले जो है इनके आने की संभावना ना के बराबर है, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता आप लोगों को अब नहीं है। मैं निश्चित तौर पर आपको सूचित कर दूंगा, तो सूचना आपको समय रहते उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि हम लोग बात करें रिवुलेशन की, तो रिवुलेशन की प्रक्रिया कुछ की चल रही है, कुछ की एक दो दिनों में शुरू हो जाएगी। जो पुराने रिवुलेशन के रिजल्ट हैं वो लोग 15 तारीख तक का वेट करें, संभवतया 15 तारीख के बाद जो है रिवुलेशन के रिजल्ट आना शुरू होंगे। जब भी शुरू होंगे
मैं आप लोगों के साथ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब आई विल बी हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं यूट्यूब पर आप लोगों के साथ संवाद कायम करूँगा, तो बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी दरमियान बीच में जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा मैं ओवरवर्क लोडेड थोड़ा सा फील कर रहा हूँ, स्वास्थ्य भी उतना बेटर नहीं है। बावजूद इसके आप लोगों के साथ संवाद कायम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि डेली बेसिस पर नहीं आ पा रहा हूँ। ये आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि पहले मैं डेली आप लोगों के साथ वीडियो बनाता था, दिन में 2 या 3 वीडियो, लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे कोई रीजन है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी बात है। एक बात और मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूं इसी वीडियो के माध्यम से कि देखिए सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम्स हैं वो संभवतः आप लोगों की शीतकालीन की छुट्टियों से पहले संपन्न हो जाती हैं किसी भी परिस्थिति में। तो जिस बच्चे की सप्लीमेंट्री आई है वो सप्लीमेंट्री की तैयारी करता रहे, वो इस भ्रम में ना रहे कि उनकी सप्लीमेंट्री लेट होंगी। आप लोगों की सप्लीमेंट्री के पेपर जो है अमूमन दिसंबर के 2 या 3 हफ्ते में होते हैं पेपर, आप लोग अभी भी वही मान के चले कि उसके आसपास आप लोगों के पेपर होंगे। दिन 2 दिन 4 दिन ऊपर नीचे होना कोई बहुत मेजर इशू नहीं होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में बैठा करके रखें, फ्रेम करके रखें कि ये होना है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कंसीडर करके रखें। एक बात और मैं इसी वीडियो के माध्यम से साझा कर देता हूँ। देखिए विषय परिवर्तन की जो लिस्ट है अभी तक नहीं आई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि विषय परिवर्तन की सूची आते ही मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा, तो विषय परिवर्तन की अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। निश्चित तौर पर जब भी जैसे भी आप लोगों की लिस्ट आएगी, आप लोगों को कम से कम 5-7 दिन का टाइम भी दिया जाएगा फीस जमा कराने के लिए, तो किसी भी स्टूडेंट को हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी सब्जेक्ट चेंज होती है तो आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त जो वक्त है वो कॉलेज प्रशासन उपलब्ध कराएगा, तो बिल्कुल आप लोग निश्चित रहे इस चीज़ को लेकर के, 1% आपको इस बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो एक चीज और मैं इस वीडियो के माध्यम से और आप लोग के साथ साझा कर देता हूँ, वो ये है कि बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासेज जो हम लोग रेगुलर बेसिस पर कॉलेज में चला रहे हैं, तो आप लोग उसका एक हिस्सा जरूर बने। आप सबको पता है कि इसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है, निःशुल्क व्यवस्था है, और निःशुल्क व्यवस्था में यदि आप लोग कॉपरेट नहीं करते हो तो मुझे थोड़ा सा अनिजी सा फील होता है। मुझे ये लगता है कि यार जब स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाह रहे तो मैं क्यों अपना स्ट्रेस लूँ, तो ये वाली बात है। आप लोग थोड़ा सा और प्रयास करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आने के लिए। आप लोग जितनी सहभागिता निभाएंगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा बेटा। तो एक पॉजिटिव नोट की बात मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से चीज़ों को लेकर के चलें, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहे। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहने वाली चीज़ें हैं नहीं। स्कॉलरशिप वाला सेक्शन जो कि छूट गया है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि स्कूटी जो है आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो RTO ऑफिस में भेजे जा चुके हैं। RTO से डॉक्यूमेंट्स बन के नहीं आए, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाएंगे आप लोगों को जो स्कूटीज हैं कालीबाई मेधावी और देवनारायण योजना की स्कूटी 2020 वाली 2021 वाले बच्चों को वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। और किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगी इसको लेकर के एक विस्तृत वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में इनके वितरण की संभावना पूरी पूरी है। डेट में फिर यहाँ पर एक प्रकार से बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जो इस साल वाले बच्चे हैं वो इन स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर के तैयार रखें, हार्ड कॉपी जमा नहीं हो रही है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोग बेटा इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लें। उसका रीजन भी यही है कि आप लोगों की जो गंभीरता है वो बनी रहेगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं या दूसरी जो बातें हैं कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, वो सारी बातें निरंतर साझा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहोगे, जुड़े रहोगे और हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। कभी भी सिंगल हैंडली चीज़ें नहीं चलती हैं, ये एक प्रकार से 2-way ट्रैफिक है, 1-way ट्रैफिक नहीं है। यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए
मार्गदर्शन की जो भूमिका है, मार्गदर्शक की भूमिका है, वो निभाने का प्रयास करूंगा। आप सभी को बेटा मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं, और ध्यान रहे अगले कुछ दिनों में आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा अपने चैनल पर भी, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। आप लोग मुझे बता देना आपके दिमाग में जो चल रहा हो कि किस हिसाब से हम लोग अपनी पढ़ाई को और शेप दे सकते हैं, उस हिसाब से भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं।